पर तुम्हें मेरा हाल है बीबी सुल्ताना टपड़ना नहीं आता। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे, अपनी अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड, यहाँ पे आगाज़ हो रहा है दिन का ब्रेकफास्ट से गोले हुए पराठों के साथ, आटा जो बोलते हैं। आपको दो तीन बार रेसिपी दी है, अगर आपको चाहिए तो पीछे जाके वीडियोस में सर्च कर लें, बेशक सर्च कर लिए या थंबनेल देखें या यहाँ पे थंबनेल देखें। और साथ में जेजी यहाँ पे खेल रहा है, जेजी ने खाई है माशाल्लाह से स्लेंटी, एंड जेजी इज़ लुकिंग सो क्यूट एंड लुकिंग सो फिट। यहाँ पे साथ में खा रहा है बिस्किट, साथ में पी रहा संदर का शरबत। क्या हुआ, क्या हुआ? लुक एट दिस, और यहाँ पे डिनर के लिए भी तैयारी हो चुकी है। क्या बने? ये पीस था, और ये मैंने लाइट क्यों नहीं होगी, ये पीस था, इसको मैंने कट करके पहले धोया है, अब इसको मैंने सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया रात को। इसको मैं पहले तो बॉयल कर लूँगी इनको, और फिर उसके बाद अगर कढ़ाई बनानी होगी, ज़ाहिर है ये एक दफ़ा में तो सारा नहीं पकेगा, दो दफ़ा में पकेगा आई थिंक। एक दफ़ा चावलों में डाल लेंगे या कढ़ाई बना लेंगे या कुछ भी, इवन जो भी आमना को अच्छा लगे, कढ़ाई आमना बनाएगी, मैं जस्ट बॉयल करके रख लूँगी। और साथ में यहाँ पर बन रही है चाय, ये सुबह मैंने इसमें बनाई थी, इसलिए आपने पैन को इग्नोर करना है। और क्या हो रहा है? और ये हो रहा है कि इसके साथ होगा चार चाय एंड अंडा, पता नहीं क्यों है हमें अंडे से नहीं, मेरा दिल कर रहा था फ्राई अंडा खाने को, लेकिन अब मैं फिर लेने जाऊँ। क्या हुआ? मुझे तो अंडे से क्या हुआ, तुम क्या जान निकालने लगे हुए हो? ये हर चीज खेलने के काम आ रहा है, तुम्हें अब अंडा नहीं पसंद हो रहा, यू वाना सी दिस? ये शायद पूरी ज़िंदगी के लिए अंडे खा ली, ऐसा नहीं होता, गर्मी बहुत थी इसलिए। और ये अब इधर गंद डाला जा रहा है, चलो इधर तो थोड़ा सिमटा गया है, कुछ गंद हमारा अंदर डाला गया है। जेजी ने खेलना था हैंगर्स के साथ, और जेजी ने सारे हैंगर्स निकाल के वो खेले हैं, और साथ में ये जी कपड़े पड़े हुए हैं। साथ में ये आज थोड़ी सी सर्दी हो गई थी, मतलब सर्दी नहीं, बारिश की वजह से थोड़ा ना वेदर अच्छा हो गया था, इन्होंने ऊपर चादरें नहीं हुई थी, यानी सुबह सुबह हमारे कमरे के हालात ये हैं। सुबह सुबह तो है नहीं है, जोहर की नमाज़ इधर मैंने पढ़ ली थी, अब आमना ने पढ़ी है, और ये कुछ मैंने अपने कपड़े जो है ना जो आयरन हुए हुए थे इनको मैंने दरवाजे पर हैंग कर दिया। तो चलते हैं बाहर और देखते हैं कि आमना हमें क्या फरमा रही है। माशाल्लाह, क्या मेमोरी है जनाब की। इलायची डालनी है चाय में? नहीं, इतनी आम चीज़। जी 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 जी, क्या हुआ? आज क्या बने है? ये बैठ जाओ। अच्छा, मैं अंदर से लाइट्स ऑफ करूँ फिर बैठती हूँ। ओके, इधर गर्मी है ना, अंदर बैठती हैं, चल के अंदर ले जाओ शेरा, अंदर ले जाओ जी। तो यहाँ पे आ चुका है नाश्ता, यही सबसे मजे का होना है। चलो क्योंकि ये ना बहुत बड़ा मैंने डाल दिया, देखा आधा टूट गया, वो भी पका नहीं सही से, बड़ी मुश्किल पकाई है मैंने। चलो, यहाँ पे नाश्ता वाश्ता एंड कर लिया था, चाय बस ठीक थी, पराठों का बहुत मज़ा आया, गोले में पराठों का। और गोले हुए पराठे आपको मैं रेकमेंड करूँगी, ये थोड़ा सा बनने में टाइम लेते हैं, क्योंकि ये ऑब्वियसली लिक्विड चीज़ होती है ना, पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है, इतना ज़्यादा नहीं, इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ज़्यादा लगता है, अगर तो आप मोटे नहीं होना चाह रहे तो आप ये पराठे ना खाएं। सही कहा मैंने, सेंटेंस गलत तो नहीं बोल दिया। एनीवे, चाय बस ठीक थी, पराठों का बहुत मज़ा आया, इतने मज़े के मौसम में, आज थोड़ा मौसम बेटर है तो उस दिन आप ही पराठे बनाए, मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी। चार के साथ आपको इसका मज़ा नहीं आएगा, हमने डाला था लेकिन वो देखेंगे क्या हाल हुआ इसके साथ। एनीवे, जेजी ने इतना सा भी पराठा नहीं खाया, कुछ भी चाय नहीं पी, और तो एक बिस्किट दो खाया उसने, बहुत मुश्किल से, अमीर बच्चा है वो, तो पराठे अमीर नहीं खाते, अमीर थोड़ा थोड़ा खाते हैं, तो थोड़ा ही खा लेता पराठा आपको, अब मुझे समझ नहीं आ रही, बिस्किट खाते हैं थोड़ा सा, हल्का सा मील लेते हैं, अमीर तो मामा ने देखे हैं बहुत मोटे मोटे भी।
एनीवेज आपके साथ शेयर करना चाहूँगी इसकी बिहाइंड स्टोरी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं कपड़े, ये थे जी हमारे ऑलमोस्ट नए कपड़े, और अभी इनकी हालत से आपको लग रहा होगा ये नए कपड़े हैं, अल्लाह माफ़, ऐसे लग रहा है लंडा लगा हुआ है। तो ये जेजी ने की हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगी ये आए कैसे हैं, यहाँ पे हैंगर भी यहाँ पे है सारा कुछ। तो जो अलमारी के अंदर एक ऐसे गोल सा स्टिक लगा होता है उसके ऊपर ये हैंगर लटके होते हैं, तो वो स्टिक टूट गई है। पहले एक अलमारी की हमारी टूटी थी, अब स्टिक मिल जाए तो शायद मैं उसको जोड़ सकती हूँ। अगर स्टिक मिल जाए तो मैं इसको आईफी ही जोड़ सकती हूँ, अगर नहीं मिलती तो कोई फिर मसला नहीं, फिर इनको तय करके कहीं और एडजस्ट करेंगे। और कुछ तो बीच में वो देखे आपको नज़र आ रहे होंगे दरवाजे पे तय हुए हुए थे, लेकिन बिल्कुल नहीं लग रहा है इनको देख के कि ये तय हुए हुए कह रही हूँ, आयरन हुए हुए थे, लेकिन इनको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये आयरन हुए थे। सो अब ये अगेन आयरन करने पड़ेंगे, और कुछ तो बीच से हमने पहने भी नहीं हुए, तो वो इसलिए मैंने वहाँ पे हैंग कर दिए हैं। इनमें कोई ऐसे कपड़े तो नहीं, आई फील नहीं है इनमें ऐसे कोई कपड़े जो हमने नहीं पहने, ये पहन ही हुए हैं। कैनवस भी अंदर पहुँच चुकी हैं, क्योंकि जेजी को हर चीज़ उसका बोरिया बिस्तर से अंदर जाना, उसको चूसनी फीडर उसका कुछ भी, इवन बुखार है ना, इवन जब वो नहीं भी खा रहा लेकिन उसके सामने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखा हुआ कि ये मेरे लिए पड़ा है, वो भी उससे हर जगह लेके चल रहा है, खुद लेके जाता है। क्यों उसकी बात कर रही हो? भला क्या करेगा फ्रेंड, मैं बताती हूँ। अच्छा बंद हो गया, एक सेकंड फ्रेंड्स होल्ड करेगा, होल्ड ऑन। तो ये भला कैसे एक ऐसे, इसने इसके हाथ तो बहुत छोटे हैं, आप सोचिए इमेजिन करें, ऐसे फीडर भी पकड़ा हुआ है इसने, मतलब बिस्किट पकड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, और ये ग्लास भी इसने पकड़ा हुआ है, और इसने दो तीन और ग्लास भी पकड़े हुए हैं, और इसने ऐसे ये नहीं ग्लास नहीं, ऑब्वियसली ग्लास भी तो कभी कभार, यानी तीन चार पांच चीज़ें अपने हाथ में इसने पकड़ के बाहर जाना है, अगर बेड से नीचे बैठना है इसने अपना साथ लेके जाना है, वो तो इसने फिर साथ पिलो भी लेना है, बेड पे इसने ऊपर बैठना है, इसने वो चीज़ें जमीन से उठा के ऊपर ले आनी है। ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज थिंग्स, उसको होता है मेरी कोई चीज़ घूम ना जाए, मेरी मामा और मेरी बहन इतनी लापरवाह नहीं सा बिल्कुल ही नहीं, उसको ये फीलिंग आती है कि शायद ये मैं इनके सहारे कोई चीज़ छोड़ दूंगा ना तो वो घूम जाएगी। कौन, किसको फोन किया तुमने? कौन कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, जेजी बोल रहा है, तो छोटे प्रेशर कुकर लाइव खोल दिए तुमने, लाइव आई हुए लोग, इसलिए तो तुम्हारी पसंद थी कोई वीडियो नहीं आ रही। सर्च करो यहाँ पे, बोलो कैट, इधर सर्च का ऑप्शन बोल के सर्च करो, बोलो कैट टॉम, यहाँ पर बोलो 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 टॉम शेर शेर और जल्दी पैक कर दिया, लगाओ लगाओ क्या लगाया इसमें? सर्च में फ्रेंड चीजें सर्च की होती है ना, मैंने जैसे सर्च किया है लाइन कार्टून, तो इस लाइन कार्टून पे नीचे आ रहा था सबसे, इसने खुद ही लाइन पे क्लिक कर लिया, कुछ भी है मैं कह रहा हूँ शेर दिखाएं और फ्रेंड्स को दिखाएं, ये देखिए शेर आ रहा है, आ रही है मेरी ब्राइटनेस बहुत स्लो की है, देखो सही है आ गया, ये देखें इसने खुद सर्च कर लिया शेर, अब सारी शेर की वीडियो, क्या बात है अमना ये मेरे पे गया, मेरे पे गया और एक और बच्चे पे गया, ये आईक्यू लेवल एंड पहले दो साल का बच्चे को पढ़ना आता है, लिखा बिल्कुल आता है, इंग्लिश में लाइन कार्टून, उस बच्चे को पढ़ना आता है जिसने सुल्तान आटा पढ़ लिया था इतने ने, और तुम्हें मेरा हाल है अभी भी सुल्तान आटा पढ़ना नहीं आता। I feel like we should end this topic here. शेरा किसका लेवल ऊपर है? शेरा इस टाइम गर्मियों में तू मलंगों का लेवल ऊपर है, बताओ शेरा। यहाँ पे काफी सारी तू मलंगे मैंने ऐसे भिगो दी थी जैसे मैंने पूरी जिंदगी भिगोनी, तो ये आपको पता खराब हो जाती हैं, तुम नहीं भिगोती ना चार चार दिन,
एक्सटेंड मैं चार चार दिन ही जैसे ही मैंने अपनी रूटीन बनाई थी अम्मा ने पकड़ के इतनी गोलियाँ दी तुम लेंगे मेरे डब्बे में से इतने प्यारे गायब हो गई हैं मैं इतने दुख में चले गई हूँ। फिर मैंने अपना दुख कम करने के लिए ये किया कि ये मामा का ही ऐसे मशवरा था वैसे मैं ये हर काम के साथ करती हर चीज़ के साथ मैं ये करती होती थी तो मामा ने मशवरा दिया तो मैंने कर दिया तो हालांकि बहुत ज़्यादा थी तो ख़राब हो जानी थी इतनी यूज़ नहीं होनी थी तो मामा ने मुझे आइडिया दिया कि बहुत ज़्यादा हो गया आइडिया दिया कि आप इसको आइस क्यूब में डालो सारे। मैंने तो इतनी इज्जत से शेरा तुमको बुलाया ही नहीं है मेरे हवा जम गए हैं पिघल जानी जितनी कि आप इसको डालो तो ऐसे ये सारी फ्रीज हो गई हैं एक आपने डालनी है एक आपने डाली कितनी ठंडी है अम्मा एक आपने डालनी है अपने रूहे अफजा या संदले अफजा के ग्लास में तो शेरा तुमको शरबतों के नाम भी नहीं आते शेरा पूरी गर्मी तुमको इतने ड्रिंक्स पिला दिया और बाद में भी तुमको नहीं आते तीन ड्रिंक्स में ये पड़ता है शेरा रूह अफजा दूध वाले में पड़ता है शेरा संदल में पड़ता है ये शेरा तो ये आपने ऐसे करना फिर आपकी घुमने के खराब नहीं होंगे धोने का भी मुश्किल नहीं सारी इकट्ठी भी हो गई प्लीज कभी शेरा बस जा रहे हो शेरा शेरा जल्दी आ जाओ शेरा शेरा बारिश हो रही है बाहर शेरा मजेदार किस्म का बीफ बोनलेस बीफ कड़ाही रेडी हो चुकी है साथ में आमना ने बनाई है बहुत ही जबरदस्त किस्म की गोल मटोल रोटियां और साथ में है बैंगन का भरता अप्रिशिएट करूंगी तो तुम कल को और अच्छी बनाओगी ना और इसको चिकन दे दो ये हर चीज़ को चिकन कहता है और ये देखें ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी ये देखें वाइट टू मनंगे ये लाइफ में किसी ने भी कभी भी नहीं किया होगा लुक एट दिस हम वही चीज़ें करते हैं जो किसी ने की है या ये देखें कोशिश करते हैं और हो भी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह खाओ 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 वो मसला नहीं है आई थिंक इनको जल्दी हो जाना चाहिए मजेदार यहीं पे करते हैं ब्लॉग पॉइंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियोस को शेयर करें कमरे को इग्नोर करें अल्लाह हाफिज़ बाय बाय ठा ठा